आए दिन लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चाओं में रहने वाले उज्जैन के शासकीय चरक अस्पताल में 20 दिन के प्रसव के लिए भर्ती महिला का मृत बच्चा पैदा होने का मामला सामने आया है। बच्चे के मृत पैदा होने पर परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। आला अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी डॉक्टर्स पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि इंदौर की देपालपुर तहसील अंतर्गत गिरोता की रहने वाली रवीना पति अजय को 4 जुलाई डिलीवरी के लिए चरक अस्पताल लाया गया था। महिला के परिवार का कहना है कि पिछले 15 दिनों से शासकीय अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा कई जाँचें और सोनोग्राफी करने के बाद सब कुछ सामान्य बताया गया था, लेकिन कल अचानक डॉक्टर्स ने बच्चे की धड़कन कम होने की बात कहकर डिलीवरी की बात कही और आज सुबह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। बच्चे के मृत पैदा होने की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। महिला के ससुर ने बताया कि जब इतने दिनों से सब कुछ सही है तो अचानक बच्चे का मृत हो जाना डॉक्टर्स की लापरवाही उजागर करता है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। हम 20 दिन से एडमिट है यहाँ मरीज हमारा। मैडमों को दिखाते बोलती बच्चा कमज़ोर है। बच्चे का इलाज करा, दर्द आए हम लेके गए तो बोलती है बच्चा आपका ठीक है। हमने बोला ठीक है तो अब ऑपरेशन कर दो, बोले ऑपरेशन नहीं करेंगे, खून की कमी। हमने खून की बोतल भी लगवा दी, बोल फिर बोला हमने ऑपरेशन कर दो तो बोले अभी नहीं होगा ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन नहीं होगा। हमने बोला आप ऑपरेशन नहीं करो, छुट्टी देने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई सी मैडम है छुट्टी नहीं देती। यहाँ सुबह मैडम ने देखा, बोले बच्चे को धड़कन नहीं आ रही, आप सोनोग्राफी करवाओ। सुबह बोल रही, रात में दिखा तो बोले आपका बच्चा ठीक है, आपका जच्चा भी ठीक है, रात में 9:30 बजे। और सुबह लेके आए उनको, तब परेशानी ज़्यादा हुई, लेके आए उनको। मैडम सुबह आई राउंड पे देखती है, बोले आपके बच्चे की धड़कन नहीं आ रही, आप सोनोग्राफी करवाओ। सोनोग्राफी करवाने के बाद बोलती है आपका बच्चा ख़त्म हो। हम 4 दिन से बोल रहे हैं हम सीजर कर दो या हमको छुट्टी दे दो, तो छुट्टी देने के लिए भी तैयार नहीं है। बोले आपका बच्चा ठीक है नॉर्मल हो जाएगी, शाम को दिखाया तो बोले सुबह हो जाएगी, सुबह दिखाया तो बोले शाम को हो जाएगी। हमने बोला सीजर कर दो, हम जो भी बच्चे को परेशानी होगी तो हम देखेंगे, तो सीजर करने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरा नाम है रीना। 20 दिन से यहाँ भर्ती है, 20 ही दिन से इलाज चल रहा, 3 दिन आज बच्चे मरे हुए को होगा। मैडम से बोल रहा है, मैडम बोली कि ऑपरेशन होएगा, हमने बोला ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन भी नहीं करा। आज 3 दिन का बच्चा मरा हुआ, आज मरा हुआ बच्चा ही काला। हमने कहा छुट्टी दे दो, छुट्टी भी नहीं दी हमारे को, तो मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए। डॉक्टर का ये कहना, इतने दिन बच्चा बताया कि सब नॉर्मल है, अच्छे से हो जाएगा, सब नॉर्मल अच्छे से हो जाएगा, ऐसे ऐसी बोलती है रोज। चार मैडम आती, चार ही मैडम अलग अलग बात करती है, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अभी मैं गांव से आया तो मेरे को एक भी मैडम नहीं दिखी, अभी मैडम सारी चली गई। तो उन मैडमों से मैं बात करना चाहता हूं कि आज 3 दिन का बच्चा मरा हुआ, तो मेरा बच्चा हुआ मुझे जिंदा चाहिए, या आपको छुट्टी कर देना थी। जब हमने 4 दिन पहले हमने बोला कि हमारे को छुट्टी दे दो, आपसे नहीं संभल रहा तो छुट्टी भी नहीं दी। मेरा नाम है शेखर गारू, गाँव गिरोता, जिला इंदौर, तहसील देपालपुर, थाना गौतमपुरा। ज्ञान में आया है कि ये अजय अपना रवीना पति अजय को 15 दिन पहले भर्ती करा गया था और आज दिनांक को जो है उसकी डिलीवरी में उसको मृत बच्चा जो है मिला। ये मेरे जो संज्ञान में मामला आया है। सर किस प्रकार मामला है सर? परिजनों को आरोप है कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही की गई है और घर से ही बच्चा मर चुका था, लेकिन आज उसकी डिलीवरी की गई सर, आप किसका संज्ञान लेंगे क्या? हाँ, मैंने जो है नहीं इसके लिए जो है अपनी जो ट्रीटमेंट शीट जो होती है जिस पे रिकॉर्ड रखा जाता है पूरा इलाज का, किसके द्वारा किया गया है, वो पूरी शीट मैंने जो है बुलवा ली है। संबंधित जिसके जिसको भी जो है इसमें जो है दस्तखत मिलेंगे जिसके द्वारा इलाज किया गया है, वो पूरी की पूरी मैं जाँच करूँगा। साधना दीक्षित को भी इसके अंदर अगर नाम मिला तो उनको भी नोटिस तो जारी किया जाएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पूरा लिया जाएगा। प्रथम दृष्टा तो पेपर पूरे के पूरे जो है वो क्या बताती है, जो पेपर के अनुसार पूरी स्टडी करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि जो है क्या मामला जो है इसके अंदर किस तरह का रहा है। अभी सर आपने प्राथमिक रूप से कुछ पेपर देखे हैं तो इसी की स्थिति थी कि 15 दिन तक एडमिट रहना पड़ा। 15 दिन तक तो इसलिए थी, इनकी डेट जो है